हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी के अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पर हालत बहुत गंभीर है। आपसे पता है कि 2 दिन पहले मंगलवार को मेरी छोटे से एक बेबी ने जन्म लिया और जन्म से ही उसको प्रॉब्लम शुरू हो गया। मुझे लगा छोटी मोटी प्रॉब्लम 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी सीरियस मैटर है और अभी वर्तमान में उसको मैं ICU में एडमिट किया हूँ। तो वहीं पर एडमिट है, मोतिहारी में हूँ मैं, ICU में एडमिट किया हूँ। बहुत सारे लोग जानते होंगे मोतिहारी में संतोष कुमार बच्चे के डॉक्टर हैं, उनके पास मैंने एडमिट किया हुआ है। अभी बहुत गंभीर स्थिति है, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है दुआ करते रहें और जल्दी मैं आप लोग से कनेक्ट होंगे और क्लासेज आप लोग कराऊँगा। आज डॉक्टर से मीटिंग है 10 बजे करीब में, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या बताते हैं डॉक्टर, क्या प्रॉब्लम हुआ है उसको। 2 दिन से सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी मुझे। मुझे लगा छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बच्चे जन्म लेते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, लेकिन मैं जो ज़्यादा सीरियस होने पर उसके बाद हॉस्पिटल में लेके आया, शरीर धीरे धीरे उसका नीला पड़ रहा था। पता नहीं ऊपर वाला क्या मर्जी है, मेरे ही साथ ऐसे क्यों होता है हर चीज़ में, लेकिन कब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। कुछ दिन में ही जल्द आप लोग क्लास शुरू कर दूंगा, क्लासेस फिर चलेंगे, कंटिन्यू चलेगा अपने ही समय पर। आज डॉक्टर बता देंगे, उसके बाद से अगर लंबा दिन रुकना होगा तो मैं यहाँ पर फैमिली मेम्बर को रोक दूंगा और आप लोग को कोशिश करूँगा कल या परसों से क्लासेस शुरू कर दूँ। थोड़ा सा आप लोग को धैर्य बना के रखना है और अगर आप लोग दुआ रहा, सपोर्ट रहा, तो अगर बच्चे 2-3 दिन में उसको ही डिस्चार्ज कर दिया जाए तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी होगी। तो जल्द ही आप लोग क्लास कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, क्लास आप लोग को जल्द होगा, 1-2 दिन और इंतज़ार करना, उसके बाद क्लासेज होने लगेंगे। तो जो जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा। किसी भी तरह का इंक्वायरी होगा तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सबको ऑलरेडी पता है। जो लोग बैच लिया है वो लोग अभी 1-2 दिन वेट करेंगे, है ना, 1-2 दिन में मैं अपडेट कर दूँगा सारी चीज़ों को। अगर लंबा रुकना होगा तो मैं जैसे ही है जो भी कंडीशन हो मैं बता दूंगा आप लोग को और सारे चीज़ें होंगे, धीरे धीरे होंगे अपने तय समय पर। तब तक धैर्य बना कर रखना, मैं अभी हॉस्पिटल से ही वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। सपोर्ट करते रहिए, दुआ करते रहिए, इस समय वर्तमान में बहुत ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है।